दोस्तों, डीडी समाचार की टीम आज 11 ग्राम पंचायत 11 एसएलडी रानेर पहुंची है। वहां के सरपंच इस्लाम अली, उनसे जानेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास करवाए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, स्वागत है। सर, आपके कार्यकाल को करीबन लगभग 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया, इस दौरान आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए? जी, हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमारे कार्यकाल में जो नरेगा के तहत हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्रेवल सड़क निर्माण है वो कार्य करवाए हैं, डाट कवरिंग कार्य करवाए हैं, जो निजी जलकुंड वो पशु साइड वाला है ग्राम पंचायत के अंदर वो कार्य करवाए, और बाकी जो अन्य हैं जो किसान भवन है आदि कार्य। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने ग्रामीणों को, गरीब परिवारों को मकान दिए गए? बिल्कुल दिए सर, हमारी ग्राम पंचायत के अंदर प्रधानमंत्री जो PMY योजना है उनके तहत हमारी ग्राम पंचायत में करीब यानी 40-45 लोगों को तो फायदा मिल चुका है, बाकी जो सूची के अनुसार चल रहा है प्रोग्रेस। जैसे कि सर, अपना काम अपना खेत एक योजना थी, उसके तहत कैटल सेड वगैरह का कोई यहाँ ऐसा कोई कार्य हुआ है आपकी ग्राम पंचायत? जी बिल्कुल हुआ है, हमारी ग्राम पंचायत के कम से कम यानी 35-40 लोगों को कैटल सेड का फायदा दिलवाया हमने। सर, शिक्षा का स्तर ग्राम पंचायत में कैसा है? ठीक चल रहा है हमारी ग्राम पंचायत के अंदर, जो पहले तो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी और अभी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो चुकी है हमारी ग्राम पंचायत के अंदर, तो उसमें शिक्षा का स्तर है वो अच्छा चल रहा है। बाकी एक समस्या है थोड़ी, अभी स्टाफ की थोड़ी कमी है और उसमें हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो बिल्डिंग है वो पूरी जर्जर है, वो ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या है, ताकि क्योंकि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, ये हमारी ग्राम पंचायत के अंदर स्कूल मामले में समस्या है। सर, जो स्कूल की आप समस्या बता रहे हो, यहाँ आपने अधिकारियों या नेताओं को या किसको बताया गया? बिल्कुल बिल्कुल अवगत करवाया है हमारे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है, यही बोल रहे हैं सर साहब, करवा देंगे, हो जाएगा। सर, पंडित दीनदयाल योजना पट्टे वाली योजना, उसके तहत ग्राम पंचायत में पट्टे वगैरह दिए गए हैं? हाँ, कुछ हुए हैं पट्टे, 8-10 पट्टे बनवाए हैं हमारी ग्राम पंचायत के अंदर। और पानी की समस्या सर, ग्राम पंचायत में कोई पानी की समस्या आ रही है आपके नेतृत्व में कोई भी? है पानी की समस्या, जैसे मान लो एक तो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड आबादी है उसमें GLR नहीं बने हुए हैं, जो बड़ी आबादी है ये समस्या है, तो अगर GLR बन जाए तो उनमें हमारी ग्राम पंचायत टूटी कनेक्शन करवा सकती है पाइपलाइन डलवा के, तो लोगों को पानी के लिए फ़ायदा मिल जाए और वो लाइट कनेक्शन होने के बाद। और जो PHD विभाग के द्वारा जो डिग्गियाँ बनाई गई है वो करीबन उनको 40-45 साल या 35 साल हो गए, तो वो अभी जर्जर है, तो मेरी ग्राम पंचायत द्वारा जो कई डिग्गियाँ हैं उसमें गंदा पानी और जो मिट्टी का कार्य है वो तो मैंने निकलवाया, ताकि लोग हमारी ग्राम पंचायत के पानी गंदा ना पिए, अच्छा पानी पिए, शुद्ध पानी पिए, ये मैंने कार्य करवाया उसमें। सर, आपको करीबन 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया, आपसे पहले कई सरपंच बने हैं, आपने ऐसा कोई कार्य करवाया जो आज तक किसी भी सरपंच ने ना करवाया हो? बिल्कुल, हमारी ग्राम पंचायत के अंदर वैसे तो जो अभी किसान भवन बना है वो भी मेरे कार्यकाल में पहले नहीं था, वो मैंने बनवाया है, और मेरी ग्राम पंचायत के अंदर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो फ्राइवर का है, वो भी नया कार्य हुआ है हमारी ग्राम पंचायत के अंदर। और ऐसा कोई कार्य सर? सर, जो एक दो नहर की पुली है वो भी मैंने कार्य करवाया, वो आगे नहीं हुआ था, मैंने करवाया। सर, आपका जो वंची टाइम बचा है, आपके क्या सपने रहेंगे कि मैं ये विकास कार्य करवाऊँ? जो मेरी ग्राम पंचायत के अंदर जो समस्या है ग्रेवल सड़क की, जो पानी संबंधी डाट कवरिंग का कार्य जिम्मेदार के सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे किसान भाइयों की, उसके लिए जो डाट कवरिंग का कार्य वंचित है वो करवाऊँगा, और जो ग्रेवल कार्य है वंचित है, जो सबसे बड़ी समस्या जिम्मेदार के रास्ते की होती है, वो कार्य करवाऊँगा, और अन्य जो छोटे मोटे कार्य हैं उसके लिए मैं तो सदा के लिए तत्पर रहूँगा जो मेरी ग्राम पंचायत कर। और सबसे बड़ी मेरी सोच यही है कि मेरी ग्राम पंचायत कर जो शिक्षा का सत्र है उसमें मैं ध्यान अधिक दूंगा। सर, कैरियर की बात करते हैं, आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहाँ से की और आगे जिंदा रखने के लिए आप क्या करोगे? जी, मेरे राजनीतिक कैरियर की, मेरे पापा जी है उन्होंने 2002 में डायरेक्टरी का चुनाव लड़ा था, उसमें यानी 28-29 वोटों से वो हार गए, और उसके बाद जो पापा जी है वो स्टार्टिंग से ही राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद मैंने 2015 में सरपंची का चुनाव लड़ा, उसमें मैं 49 वोट से विजयी हो गया, और मेरा सोच यही है कि मेरी ग्राम पंचायत का मेरे साथ सहयोग रहेगा तो आगे के लिए और भी हमारा यही प्रयास है कि चुनाव लड़ेंगे, आगे चुनाव मैदान में उतरोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, अगर हमारी जनता का, जैसे आज के टाइम में मेरी जनता है वो मेरे से एकदम से संतुष्ट है, और हर आदमी का मैं ढाणी पहुंच के जो भी मेरे लायक काम है वो मैं कार्य उनका करता हूँ, और जनता संतुष्ट है।
सर आप अपनी ग्राम पंचायत या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरी ग्राम पंचायत में और मेरे ग्रामवासियों को और मेरे देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि सबसे ज़्यादा नरेंद्र जी मोदी साहब का ये सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका यही नारा है और शिक्षा है उसके बारे में मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा में आगे ज़्यादा बढ़ावा दें। धन्यवाद सरपंच साहब हमारी चैनल में आने के लिए। सीधी बात सरपंच के साथ, मैं शंकर भंसारी, देखते रहें DD समाचार।